एक ऐसा पंडाल जो सेम टू सेम गोरिल्ला वाली फीलिंग देता है। जैसे दोस्तों सारण जिला में, बिहार में सारण जिला के एक ऐसा गांव है जहां पे फूटानी बाजार के नाम से मशहूर है, फेमस है। पिछला बार यहां पे कुछ मगरमच्छ जैसा बनाया गया था और इस बार बनाया गया गोरिल्ला, एनाकोंडा और बाकी कुछ छोटे मोटे जीव जंतु। तो चले गए, मैं आपको लेकर चलता हूँ वहीं पर जहाँ पर बनाया गया गोरिल्ला पंडाल। यहाँ पर जाने के लिए छोटे मोटे पतली पतली रास्ते गली वली से जाना पड़ता है, यहाँ पर जाने के लिए कोई हाईवे नहीं है, हम लोग भी खेत के रास्ते पकड़ लिए और छोटी मोटी सड़कें हैं। ये दोस्तों ये बिल्कुल गांव में बनाया गया पंडाल है, जितना फेमस हो चुका है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए। और सामने आकर पता चलता बिल्कुल ओरिजिनल गोरिल्ला वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इतना भीड़ लगा हुआ है कि लोग कितने लोग आ रहे हैं लेकिन अंदर जा नहीं पा रहे हैं, बाहर से देख कर चले जा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जाने के लिए इतना भीड़ है कि इतना दूर दूर से लोग आए हुए और यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है। यहाँ पे थोड़ा और जगह होना चाहिए था भीड़ के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जगह बहुत कम है। बनाने वाले ने भी सोचा नहीं होगा कि इसको देखने के लिए इतना भीड़ यहाँ पे लग सकता है, शायद इसलिए जगह की यहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई है जिसके वजह से यहाँ पे आए गए भक्तजनों को यहाँ पे थोड़ा कष्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगा और शायद ही आप अंदर जा पाएंगे। अगर आप अकेले हैं तो अंदर जा सकते हैं, फैमिली के साथ आए हैं तो अंदर जाना नामुमकिन है। देख सकते हैं इसके अंदर बनाने वाले ने क्या गजब का बनाया है, बिल्कुल ओरिजिनल गोरिल्ला वाली फीलिंग दी है यहाँ पे, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि कुछ डुप्लीकेट है या कुछ भी। इसके बाल जो है बिल्कुल ओरिजिनल, दांत जो है बिल्कुल ओरिजिनल, बाल मुंह जो कलर पेंटिंग सब चीज ओरिजिनल। और देख सकते इसको देखने में कितना धक्का मुक्की भीड़ है और यहाँ पे शायद ही आप फैमिली को लेकर आ सकते हैं। दोस्तों अगर कोई फैमिली को लेकर आ रहा है तो पछता कर ही बाहर से देख कर ही जाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको फैमिली वालों के लिए तरफ से दिखा रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए अंदर से क्या चीज़ है क्या नहीं है, जो अंदर नहीं जा कर देख पाए हैं। देख सकते हैं इसके जो साइड में एक पोखरा है वहाँ पर बनाया गया एनाकोंडा और इधर भी छोटे मोटे कुछ जीव जंतु, उसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल बताता हूँ कि इसके बाल किस चीज़ के बनाए गए हैं। इसके बाल जो पूरा होता है गाँव में पेठारी धान झाड़ने के बाद निकलता है उसका बनाया गया है बाल, और उसको पेंटिंग कर दिया ब्लैक कलर से। अब ये देखते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ गुफा के अंदर, गुफा के अंदर क्या चीज़ है क्या खास चीज़ है, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। जो नहीं आए हैं वो देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, देख सकते हैं बिल्कुल गुफा वाले अंदर से फीलिंग आ रही है किस तरह से, जैसे गुफा के अंदर अंधेरा होता है उसी तरह इसके अंदर भी अंधेरा है, बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस छोटी मोटी जो लाइटें जल रही हैं वही दिख रही हैं, बाकी नीचे क्या है क्या नहीं कुछ नहीं दिख रहा है हमें भी। जिस तरह से आपको वीडियो में कुछ नहीं दिख रहा सेम उसी तरह हमें भी कुछ नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं अंदर गुफा के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल सेम वैसा ही। और सामने जो है दुर्गा माँ की प्रतिमा है, बनाने वाले में कहीं भी ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी जिससे ना लगे कि ये गुफा जैसा ना है, लेकिन ये अंदर से फीलिंग आ रही गुफा वाली, बिल्कुल पेंटिंग इस तरह से की गई है, पहाड़ों ऊपर जो पत्थर हैं सेम टू सेम लग रहे हैं ओरिजिनल जैसे। इसके अंदर ज़्यादा देर तक रुकना अलाउ नहीं, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से इसके अंदर शूटिंग करेंगे और देखते हैं कुछ जगह रह ना जाए जो आप ना देख पाए। इसके अंदर फिलहाल कुछ इतना ही दुर्गा माँ की प्रतिमा है और यहाँ से निकलने का इधर का नज़ारा देख लिया आपने, ये अंदर का नज़ारा और बाहर का नज़ारा अंदर पूरा बिल्कुल यहाँ से भी अंदर मतलब अंधेरा ही अंधेरा है और साइड में जैसे बाहर निकलेंगे झुक के बाहर निकलना है यहाँ से, और बाहर से आप देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ वाली फीलिंग आ रही है जैसे गुफा के अंदर घुस कर निकलते हैं ना ओरिजिनल सेम वैसा ही। और मैं आपको साइड में दिखाऊं, इधर देखिए साइड में बना हुआ है एनाकोंडा, छोटा मोटा पोखरा है उसके अंदर बहुत सारी ऐसे चीज़ बनाई गई है जो देखने के लिए लायक है और देखना भी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इसलिए शायद इतना दूर दूर से लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए। या दोस्तों इसके अंदर मैं बता दूँ कछुआ है, पेंगुइन है और डॉल्फिन है, एनाकोंडा बड़ा सा आप तो देख ही रहे हैं, मेढक है छोटे मोटे, और मगरमच्छ है जो इधर के साइड नहीं है पल्ली साइड है, उधर साइड हम जा नहीं पाए इतना भीड़ लगा हुआ, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा मैं आपको दिखा दूं लास्ट के वीडियो के अंत तक। और बाहर से जो देख रहे हैं आप पहाड़ है, पीछे साइड में गोरिल्ला है, पहाड़ के आगे गोरिल्ला खड़ा है, और मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर जो जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाऊँ वीडियो में, ताकि कोई भी ऐसा चीज़ ना रह जाए जो शायद आप घर बैठे भी ना देख पाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस, मेरे रहते हुए तो आप देख ही सकते हो। जहाँ दोस्तों ये रात का सीन है गोरिल्ला का, जहाँ पे देखने के लिए इतना भीड़ लगा, रात को जाए दिन को जाए सुबह में कभी भी जाए गाइस यहाँ पे भीड़ मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इतना दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इतना फेमस हो चुका है ये गोरिल्ला इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पंडाल बाकी है गाइस दिखाने।